anaklan.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी। दोस्तों, कबाब खाना सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बनते हैं नॉन वेजिटेरियन। ऐसे में जो वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गलौटी कबाब, वो भी प्योर वेजिटेरियन। ये कबाब हम बनाएंगे राजमा से, और इनका कलर, स्वाद, टेक्सचर बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन जैसा ही होगा। तो चलिए बनाते हैं राजमा के गलौटी कबाब। तो चलिए बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा के गलौटी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप उबले हुए राजमा। इसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था और उसके बाद प्रेशर कुकर में 6 सीटी लगाकर इसको मैंने उबाल लिया है। तो सबसे पहले इस राजमा को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं, और इसको पीसने के लिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे। राजमा को हमने अच्छे से पीस लिया है और देखिए इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है कुछ इस तरह से। और अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। राजमा को हमने बहुत बारीक सा पीस लिया है और देखिए इसका कितना फाइन पेस्ट बना है, और ऐसा ही पेस्ट हमको चाहिए गलौटी कबाब के लिए। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हमने फिर से एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें डालेंगे 12 पीस काजू के जिनको मैंने भिगो के रखा था, 2 बड़े चम्मच तली हुई प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, लहसुन की 6 कलियां, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच डालेंगे रोज पेटल्स, ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डालेंगे आप 1 छोटी चम्मच, और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच केवड़ा। यहाँ पर हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसे मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है, अब बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ नहीं हुआ है, देखिए। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब पिसे हुए मसाले को मिलाएंगे हम राजमा के पेस्ट में, साथ में डालेंगे 1/4 कप बेसन। हम इसमें बेसन ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं गलौटी कबाब और वो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अगर हम बेसन ज़्यादा कर देते हैं तो वो बन जाएंगे कटलेट जैसे, तो हमें इनको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इसलिए इसमें ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। आप कुछ मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप इसे जितना चाहें स्पाइसी बना सकते हैं, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक, और अब इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर। तो मैं जायफल को इसमें थोड़ा सा हम इसमें घिसेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही यूज़ करना है। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी और फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कबाब का मिक्स हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसके कबाब बनाते हैं। यहाँ मैंने गैस पर एक तवा रख लिया है और गैस को रखेंगे लो टू मीडियम हीट पर, और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको फैला देंगे। अब हाथों को करेंगे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, आपको जितने बड़े कबाब बनाने हैं आप उतना पोर्शन ले लीजिए। और अपने हाथों पर ही इसको प्रेस करके सेट कर लीजिए कि आपको कितने बड़े कबाब बनाने हैं। और इसी तरह हम अपने सारे कबाब बना लेंगे।
तवे का सारा तेल किनारे किनारे जमा हो जाता है, तो आप अपने कबाब को घुमा घुमा कर उसी तेल में आपको फ्राई करते रहिए। चलिए बिल्कुल थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं, क्या बढ़िया कलर आया है, दोनों तरफ से अच्छे से इसको, दूसरी तरफ से भी हमें यही कलर लाना है, इसका गोल्डन कलर। बस आराम से उठाइए क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। गलौटी कबाब हम राजमा से बना रहे हैं और राजमा डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो डायबिटीज के पेशेंट इसे बड़े आराम से खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ज्यादा ऑयल पसंद नहीं करते हैं, तो इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ, उसमें भी बड़े आराम से कबाब बन जाएंगे। अब इसी सारे तेल को यूज कर करके हमें अपने कबाब फ्राई करने हैं। देखिए हमारा तेल भी खत्म होता जा रहा है और सारे कबाब भी हमारे बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। गलौटी कबाब की बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको पलट लेते हैं और देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया इसका भी पीछे से भी कलर अच्छा आ गया। अब कबाब खाने के लिए आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, अब आप घर में जब चाहें तब इन्हें बनाकर खा सकते हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं और कौन कौन से कबाब हम खा सकते हैं, तो लीजिए आज तो मैंने आपके लिए ये वाले कबाब बना दिए, वेजिटेरियन है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जब मन चाहे तब बना के खाइए इन्हें। आप मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैंने कच्चे केले के, चने के और दही के कबाब भी बनाए हैं और सब वेजिटेरियन है और जिनका मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, तो प्लीज जाकर चेक जरूर कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब मैं यहाँ पर गैस को ऑफ कर रही हूँ, अब इनको निकाल लेते हैं। आराम से आहिस्ते से बड़े ही प्यार से, क्योंकि बड़े ही नाजुक है हमारे कबाब, और इसी तरह से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए गर्मा गर्म हमारे राजमा के गलौटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। इनको मैंने सर्व किया है मिंट की चटनी के साथ। आप चाहे तो सॉस भी खा सकते हैं साथ में, चाहे तो मेयोनीज भी ले सकते हैं, और जो भी आपको इसके साथ चटनी पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म गलौटी कबाब का मजा लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। आप इसे बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।